दोस्तों, अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। इस खबर को सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से आप अजय देवगन और अक्षय कुमार को एक साथ एक मूवी में देखने का मौका पाएंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से सूर्यवंशी में अजय देवगन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने आग लगाई थी, उसी तरह से एक और मूवी आने वाली है जिसमें आपको अजय देवगन और अक्षय कुमार एक साथ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अजय देवगन सिंघम मूवी के सुपरस्टार हैं और हर कोई इन्हें वर्दी में बहुत ज्यादा पसंद करता है। रोहित शेट्टी की सिंघम यूनिवर्स की पहली फिल्म में बाजीराव सिंघम के रूप में नजर आए अजय देवगन को पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। दोस्तों, इसके बाद रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ सिंघम रिटर्न बनाने का फैसला किया और यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अजय देवगन की सिंघम रिटर्न ने 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार किया था और यह मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद से ही अजय देवगन के सारे फैन सिंघम 3 बनाने को लेकर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और अजय देवगन से सिंघम 3 बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद रोहित शेट्टी ने खुलासा किया कि वह बहुत जल्दी सिंघम का तीसरा पार्ट बनाएंगे जिसका नाम सिंघम अगेन होगा। अब दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो सिंघम 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। मेकर्स का दावा है कि 2024 के अगस्त महीने में सिंघम 3 आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ साथ अक्षय कुमार भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सिंघम 3 में अक्षय कुमार अपना सूर्यवंशी वाला किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से अजय देवगन ने सूर्यवंशी में अपना कैमियो रोल किया था, उसी तरह से अक्षय कुमार भी सिंघम 3 में अपना कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अक्षय कुमार और अजय देवगन के सभी फैन सिंघम 3 का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं और उन्हें दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।